फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। मिसेस सुदर्शन ट्रेडर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में कौन कहाँ जाता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल, अभी ये देखो, ये कैपिटल हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स कैपिटल हम लोग डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखते हैं। करंट अकाउंट पीसीसी मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेसेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सैंड्री डेटर्स असेट्स, सैंड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल असेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटी। अभी देखो, कमीशन कौन से साइड में है? डेबिट साइड में अगर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अगर क्रेडिट साइड में कमीशन की अमाउंट होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, फर्नीचर असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स। आरडीडी कहाँ जाएगा? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ओल्ड, बराबर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ओल्ड है ये। इन्वेस्टमेंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांस गिवन, बराबर ना, ये गिवन है, हम लोग ने दिया है, डेबिट साइड में है, मतलब असेट्स में जाएगा। इंश्योरेंस पीडी में जाएगा। बैड डेट पीडी ओल्ड, बराबर है। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स होता है या आरडीडी होते हैं वो ओल्ड होती है। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये असेट साइड में जाएंगे, इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टिक कर दिया, ठीक है। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सी है? स्टॉक एंड हैंड ऑन 31st मार्च वॉज ₹38,000। अभी देखो, इसका सिंपल इफेक्ट है, एक इफेक्ट जाएगा टीसी में, सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट्स में। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स। अभी यहाँ पे देखो, राम को सैलरी दी गई है, बराबर कि नहीं, और कृष्णा को 3% कमीशन दिया गया है, ठीक है। अब ये जो होता है, इसका एक इफेक्ट जो होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट जो है, ओके, वो आपका जाएगा, ये आपका क्या है, आपका ये आपका एक्सपेंसेस है, बराबर है। तो पार्टनर्स के लिए फायदा है, इसीलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइड। सेम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए नुकसान है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, पर पार्टनर्स के लिए फायदा है, इसीलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सिंपल, ये प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस होगा, जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो प्लांट एंड मशीनरी माइनस होगा, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा पेडी में, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे हम लोग जाएंगे और एक टिक करके रखेंगे, ताकि हमको यहाँ पे इनर कॉलम में लिखे एक जगह छोड़ना है। ये देखो, टिक मैंने किया, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे टिक करना है। उसके बाद ₹3,000 फॉर अवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। अभी देखो, हमारे कस्टमर से रिकवर नहीं हुआ, मतलब ये बैड डेप्ट है। ये लोग ऐसे भी बैड डेप्ट डायरेक्ट नहीं बताते कि कस्टमर से रिकवर नहीं हुआ, तो ये बैड डेप्ट हो गया। तो ये बैड डेप्ट का इफेक्ट कहाँ जाता है? एक इफेक्ट सैंड्री डेटर्स में से माइनस होगा, और सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ये न्यू के सामने जाएगा, ठीक है। अभी आपको सैंड्री डेटर्स के ऊपर टिक करना है। सैंड्री डेटर्स किधर है आप चेक करो, यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे टिक किया क्योंकि मुझे यहाँ से माइनस करना है। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो इंश्योरेंस कहाँ है, ओके, उसके ऊपर आपको टिक करना है। बिल्स पेपर प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट, ये देखो इंश्योरेंस, तो मैंने इंश्योरेंस के ऊपर टिक किया। ये इंश्योरेंस में से क्या हो जाएगा? माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस, ओके। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट्स में। देखो, कोई भी प्रीपेड होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे तो वो माइनस हो जाते हैं, और उसका सेकेंड इफेक्ट जाता है आपका असेट साइड में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सम सॉल्व करते हैं, बराबर है। देखो, ये मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बना के रखा है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब मैं पोस्टिंग करूँगा, सबसे पहले मेरा काम रहेगा पोस्टिंग करना, ठीक है।
अब देखो पहले कहाँ से शुरुआत करना है, तो यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अभी मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है 36,000। उसके नीचे तुरंत आप लोग लिखना टू परचेसेस। अभी परचेसेस होगा वो बाद में देखते हैं, और एक जगह क्या करने का छोड़ देने का, यहाँ पे लिखने का बाय सेल्स और एक जगह छोड़ देने का, क्लियर। अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे असेट साइड में हम लोग जाएंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल। क्या लिखेंगे? फिक्स कैपिटल राम। राम का फिक्स कैपिटल कितना है 1,60,000। और कृष्णा, कृष्णा का फिक्स कैपिटल कितना है 80,000। फिर हम लोग इसकी क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है, ओके 2,40,000 आएगा ये। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, इसके बाद अपना क्या है तो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो करंट अकाउंट का कितना अमाउंट है, राम का क्रेडिट साइड में, तो राम का हम लोग, राम ये राम है ये कृष्णा है, राम का कितना है 8,000 है, तो मैंने यहाँ पे 8,000 लिख लिया। पर कृष्णा का डेबिट साइड में, तो अगर मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अगर होगा तो आपको क्या करना है, डेबिट में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट कहाँ पे लिखना है, कृष्णा में लिखना है, और कितना अमाउंट लिखना है 4,000, ठीक है। उसके बाद है परचेसेस, परचेसेस कितना आपका आएगा 1,00,000, तो मैंने यहाँ पे 1,00,000 लिख दिया, क्लियर। उसके बाद आपका सेल्स है, सेल्स कितना है 2,08,000, तो मैंने यहाँ पे सेल्स 2,08,000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा है सैंड्री डेटर्स। अभी सैंड्री डेटर्स कभी भी देखो यहाँ पे तीन चार लाइन छोड़ के सैंड्री डेटर्स लिखना है आपको असेट साइड में, क्यों, इसका रीजन ये है कि ऊपर जो है वो फिक्स असेट्स लिखते हैं। सैंड्री डेटर्स है 1,73,500, ठीक है 1,73,500। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक जगह छोड़ देंगे, क्लियर। अब अपने को कहाँ जाना है, तो अभी अपने को जाना है सैंड्री क्रेडिटर्स में। तो हम लोग सैंड्री क्रेडिटर्स में मतलब कहाँ जाना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे करंट कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट राम और कृष्णा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे सैंड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका सैंड्री क्रेडिटर्स है कितना, सैंड्री क्रेडिटर्स आपका है 41,800, क्लियर। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, अभी आपका बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिखना है, तो असेट साइड में, ये देखो बिल्स रिसीवेबल, तो आपका बिल्स रिसीवेबल कितना हो गया, आपका बिल्स रिसीवेबल हो गया 47,000, ठीक है, मैंने अमाउंट लिख दिया देखो। फिर बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ आएगा आपका, लाइबिलिटी में, तो बिल्स पेएबल बराबर है, तो बिल्स पेएबल अपना कितना है, तो बिल्स पेएबल है आपका 21,000, ठीक है, चलो। उसके बाद कमीशन, कमीशन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन चार लाइन छोड़ना है फिर प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू कमीशन। कमीशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया 2,800, क्लियर। चलो उसके बाद क्या है, तो वेजेस, वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू वेजेस। वेजेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे हम लोग। वेजेस कितना है आपका 1,760, ठीक है, चलो। उसके बाद कौन है, सैलरीज, तो सैलरीज कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू सैलरीज, आपका सैलरीज कितना है 3,000। उसके बाद कौन है, फर्नीचर, तो फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट साइड में, सॉरी मैंने गलती कर दिया, ये है लाइबिलिटीज और ये है असेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फर्नीचर, तो आपका फर्नीचर कितना है 25,000, तो ये आपका आउटर कॉलम में फर्नीचर आपका 25,000 गया, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं।
फिर आपका है प्लांट एंड मशीनरी, तो मैंने क्या लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया। कितना है प्लांट एंड मशीनरी, 63,000, उसको इनर कॉलम में लिखा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है और एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद आपका रहेगा आरडीडी। अभी यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कैसे, पहले हम लोग लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स ओल्ड, बराबर है, फिर लिखेंगे प्लस बैड डेब्ट्स न्यू, फिर लिखेंगे प्लस आर डी डी न्यू, फिर एक जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे लेस आर डी डी ओल्ड। अभी हमारा आर डी डी कितना, आर डी डी 1000, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, तो असेट्स में जाता है, ठीक है, तो मैंने असेट्स में गया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट कितना है 10,500 आउटर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आपका आता है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, यहाँ पे ये आएगा लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, बराबर है, कितना अमाउंट है 35,000 to 40। उसके बाद आपका है इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा टू इंश्योरेंस, पर इंश्योरेंस के ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैं उसको कहाँ लिखूंगा इनर कॉलम में लिखूंगा और एक जगह छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर बैड डेब्ट, अभी ये ओल्ड बैड डेब्ट है, तो यहाँ पे जाके लिखा ओल्ड में और यहाँ पे मैंने लिख दिया 500 ओल्ड बैड डेब्ट। फिर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अभी ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है एक तरह का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कितना है 15,000, पर इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने एक जगह छोड़ दिया, ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, पर क्योंकि परचेस किया, अगर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड मिलते तो उसके साथ अपने को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पर अभी इंटरेस्ट उन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे 1/1/2019 को परचेस किया ऐसा दिखाया है। तो यहाँ पे मैं पहले वर्किंग नोट नंबर 1 करता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 15,000 के ऊपर कितना परसेंट, 12%, कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, क्यों 3 मंथ्स, क्योंकि हमने जनवरी में परचेस किया है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, तो ये 12 12 चले गए, ये 2 जीरो गए, तो ये आपका आया ₹450। अब कैसे करना है, यहाँ पे आपको एक इफेक्ट यहाँ पे लिखना है आपका 15,000 के यहाँ पे एड इंटरेस्ट रिसीवेबल 450 और फिर आउटर कॉलम में जाएगा 15,450 और उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, ये आपके हो गई हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट।